मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले बैठक के ऊपर बैठक लें, भ्रष्टाचार में लगाम लगावे के लाख दावा कैलें, कोशिश कैलें, पर इनकर जो कर्मचारी हाँ वो बाज नहीं आ रहे हैं। पटवारी के बड़ी रिश्वतखोरी दर की पुन के संग आई है। बता दी कि 50,000 रुपया रिश्वत के संग एक पटवारी का गिरफ्तार किया है। जमीन के नामांतरण करावे के एवज में पटवारी के द्वारा यह रिश्वत मांगी गई रही, जिसके बाद लोकायुक्त के द्वारा बड़ी कार्रवाई किए गए और पटवारी का उनके घरे से गिरफ्तार कर लिया गया। विन्ध्य क्षेत्र के पहल बघेल न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचायत समझने का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। अपना बताई गई कि मध्य प्रदेश में पटवारी के घूसखोरी जो उन्हें वह उमाल लगाम नहीं लग रहा है। पुन के एक थे पटवारी ट्रैप भी हाँ ग्वालियर लोकायुक्त के कार्रवाई से हुई आई है, जहाँ भिंड के पटवारी का 50,000 रुपया के रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किन गए। बतावा जाते हैं कि पटवारी जो रहे जमीन के नामांतरण करावे के बदला में 2,00,000 रुपया के रिश्वत के मांग करे रहे, जहाँ पहल किस्त के तौर 50,000 रुपया लेती धराई गई। लोकायुक्त उनका घरे से गिरफ्तार कर लिया। छापामार कार्रवाई में शामिल ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस के द्वारा जानकारी के मुताबिक फरियादी अजय जैन पिछले कुछ दिन पहले ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायती आवेदन दिए रहे। आवेदन में अजय जैन के द्वारा बतावा गया रहा कि उनकर नाना ससुर जे रहे 2021 में एक ठे प्लाट खरीदे रहे और ओकर नामांतरण उनका करावे का रहा, जेके खातिर भोजपुरा के पटवारी मेवाराम शर्मा के द्वारा 2,00,000 रुपया के रिश्वत के मांग की जात रही। 20,000 रुपया वो पहले दे चुके रहे। लोकायुक्त पुलिस रिश्वत मांगे के पुष्टि हुए के बाद कार्रवाई करी, जहां फरियादी के बताई जगह मार पहल राशि जो रही पहल किस्त रही 50,000 रुपया के संगे पटवारी के धर दबोची नहीं वह रंगे हाथ पटवारी का गिरफ्तार की इनका हमें बता दी कि अब जो नहीं वह आगे की कार्रवाई पटवारी के ऊपर चल रहा ही। बता दी कि कई लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करे के बात कह रहे हैं, दावा किए जा रहे हैं, कार्रवाई घलाई की जा रही है। ऐसा बात नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई हो रही है, बावजूद है कि भ्रष्टखोरन में लगाम नहीं लग रहा है, रिश्वतखोरी में लगाम नहीं लग रहा है। तो दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम।